मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के प्रति कितना संवेदनशील है यह तो आए दिन देखने को मिलता है। झूठे प्रकरणों में फंसाकर उन्हें सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन पत्रकार अपराधियों एवं अपराधियों के सगे संबंधियों के प्रताड़ना से प्रताड़ित होते रहते हैं। सोमवार को सैंडरीज घोटाले के आरोपी के परिजनों ने स्थानीय पत्रकार को धमकी दी है। दरअसल दोदर कॉलोनी में भोला सिंह टिकरी के पास खड़े होकर घरेलू बातचीत कर रहे थे, तभी सैंडरीज घोटाले के आरोपी उमेश कुमार पांडे का भतीजा विकास कुमार पांडे पिता राजा भाई पांडे निवासी दोदर आया और बोला कि तू मेरे चाचा के विरुद्ध FIR के बाद समाचार प्रकाशित किए हो, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा और कूटनीति करके फंसा दूंगा, जिसकी शिकायत हरीश तिवारी के द्वारा पनवार थाना में की गई है। बताया जाता है कि इसके पूर्व भी विकास कुमार पांडे के द्वारा हरीश तिवारी को धमकी दी गई थी, जिसे इन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। अब देखना तो यह है कि पुलिस कप्तान कितना जल्दी सच्चाई लिखने से रोकने वाले आरोपी विकास कुमार पांडे के विरुद्ध कार्यवाही कराते हैं। उक्त धमकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि रीवा जिले में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है और सच्चाई उजागर करने वालों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते उक्त वीडियो और सुनाते स्थानीय पत्रकार हरीश तिवारी को उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। माँ बात बहुत ध्यान से सुन रहे, हमसे तुमसे का ले देगा, का ले देगा, तुम बताओ का ले देगा। हां डॉक्टर काहे कहन का शंकर जी का कहन, हम तुमका बीडी की बीडी पांडे को फैक्ट्री चाह करे कौन जाने रहे जाने, तो कहन मां बीडी पांडे का लेना देना है भैया। भाई तू कौन पत्रकार आए, तू कौन पद में है, ये काम तू कराए रहे, हम इनसे इनका कहन के मजदूरी में रख, तू इनका पहले ना कहे जे है दुनिया करी, तू कहते राजनीति हम ना कर, अभी कर राजनीति कर रहा हम, ठीक है राजनीति करते है ना, हम करी राजनीति, हम करी राजनीति जो ना भी ढंग से भोजन हो थे ना बंद हो जाइए तू नोट कर ले। अरे यार भोजन हमारा टुका बंद करा दे, हम बताए ना तुम्हारा भोजन बंद करा दे ना, तू हमारा करा दे, हम करा दे तुम्हारा भोजन बंद, पूछा कहे राजनीति नहीं, हम कूटनीति जो दिन कर शुरू कर जो तू कर तैलाग है तो बंद हो जाइए तुम्हारा, और तो हमका पता है, और तो हमका ना बताओ कि तू कौन कदम सुन ले हैं कई, हम तो हम बताए हमका कौन नहीं है काय, हम भोला सिंह बुलाए के कह गए हैं, अब भोला सिंह ये कह रहा कहवा पे बुलाए हम जान बूझ के बता, हम ये कहवा को बुला ना, हम तो बहुत दिन से ताड़ा ता रहे हैं, हम ढूंढा कर रहे हो तो हमका जहां कहा था हम तुझे मिल ले, अब तू कहां ना मिलबे और तू ना बता, ये हम फरनंगे अपन डॉक्टर के चला तू नहीं चला लागा, डॉक्टर नहीं डॉक्टर हमसे अलग है, नहीं हम डॉक्टर से अलग है, कहां कि हमारा कहां गलती है, गलती का हमारे कहूँ कहाँ भोला कहूँ कहाँ ढाबा पर गलती चुका जो तू हमारे पास कर, तुम्हारे पास कर ठीक है करा, तू हमारे पास नहीं कर, तुम्हारे पास नहीं कर, ठीक है ठीक है करा, फिर बहुत बढ़िया है करा, डॉक्टर कहो ना करा, ए ए अच्छा ठीक है देखा प्रकरण है, ये प्रकरण में ना कौन हरीर के लेना देना, ना रमा शंकर के लेना, ना भोला सिंह के लेना, ना कुहा लेना देना, ये तो 30-40 आदमी पहले चल रहा है, कि फलाने और 23 आदमी में 22 आदमी के चर्चा नहीं, एक आदमी फलाने आदमी विलुप्त है, उनका ढूंढा जाए फलाने से ये हम उचित है ना, लिखना है तो 23 के 23 लोगों के बीच में लिखो तुम ना, आदमी तो 67 आदमी के छापा है, नहीं 67 आदमी नहीं, वो मैं तुम्हारा तुमने कहा तू बने ब्यूरो चीफ घूमते हो, मैं तू व्यक्तिगत तुम्हारा लेख है वो बतावा, तू बतावा सबके लिखा, सबके लिखा 2300 आदमी फलाने से पूछताछ करो तो फलाने यहाँ मिलेगा, फलाने से पूछताछ करो यहाँ मिलेगा, हम 67 देने के। मेरा नाम हरीश तिवारी है, मैं पत्रकारिता करता हूँ, वर्तमान में दैनिक राजधानी समाज हलचल समाचार पत्र में रीवा जिले का ब्यूरो प्रमुख हूँ और इंडियन लाइट टीवी चैनल में भी काम पत्र ब्यूरो प्रमुख हूँ। मैं आज सुबह 9 बजे के आसपास ग्राम दोंदर कॉलोनी में भोला सिंह टिकरी के पास खड़ा होकर के घरेलू चर्चाएं कर रहा था, उसी समय सैंडरीज घोटाले के आरोपी उमेश कुमार पांडे निवासी दोंदर का भतीजा विकास कुमार पांडे आए और बोले कि तुम मेरे चाचा के खिलाफ जो FIR हुआ है सैंडरीज घोटाला का, तुमने उसके विरुद्ध समाचार प्रकाशित किया है, मैं तेरा खाना जीना भोजन पानी बंद कर दूंगा और तुझे कूटनीति और कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से तुझे अंदर करवा दूंगा।
इसके पूर्व भी ये एक बार धमकी दे चुका था मारपीट करने का, लेकिन मैं इसके धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। आज जब इसने कई लोग भोला सिंह के सामने धमकी दिया तो मेरे द्वारा इसकी रिपोर्ट थाना पनवार में जाके की गई है लिखित रूप से। अब देखना तो ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं काफ़ी प्रताड़ित हूँ, मुझे सच्चाई लिखने से रोक रहा है और गाली गलौज भी देता रहता है हमारे खिलाफ़। उसने गोंदर में एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में भी हमारे विरुद्ध फर्जी आपत्तिजनक शब्दों का टिप्पणी किया है, जिसकी मैं अभी रिपोर्ट नहीं किया हूँ। इसकी भी FIR साइबर क्राइम के SP से मिलकर या पुलिस अधीक्षक रीवा से मिलकर करूँगा। जो आज इसकी बातचीत हुई, जिसने जो आज मुझे उसने धमकी दिया है, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। जो वीडियो बनी हुई है सुरक्षित है, जिसे भी मैं पत्रकारों को भेज करके चाहूँगा कि उसको चलाएं चैनल में। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।